प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां अकबर जैदी और नासिर अली खान जी क्यों भड़क गई ओवैसी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, ये बहुत समझने की बात है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने का उसने इंटीमेशन दिया है भारत की सरकार को। आपको मैं बताती चलूं कि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला, ये तीन राज्यों को मिला करके असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद का कुछ हिस्सा, ये मिला करके ये लोग फिर से भारत को तोड़ करके एक मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वोट जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद, ये तो मतलब इनका ही सेट किया हुआ स्ट्रैटेजी है। इनके स्ट्रैटेजी पर तो ही ये लोग, ये जितने मुसलमान लौंडे और लफंदर है, ये तो इन्हीं के शह पर ये सारी चीजें करते हैं, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। आज आप सोचो कि जिस तरह से मुसलमान लौंडे अभद्र गालियां हमें, मुझे, आपको, हम दोनों खाते हैं भाई ये गालियां, हम दोनों खाते हैं, तो ये जो ये क्या सुन्नत है, रसूल है गालियां देना? इनके दिमाग में सिर्फ लालच है प्रधानमंत्री बनने का, एक मुस्लिम देश बनाने का। एक मुस्लिम देश वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है, वो भारत में रह करके, भारत के संविधान के साथ खेल करके, भारतवासियों के साथ खेल करके, वो मुसलमानों का भला करने के लिए मुसलमान देश नहीं बनाना चाह रहा है। उसको अपने जीवन में ठीक जिन्ना की तरह भी वजीर आजम बनना है, उसको ये टैग लेकर के मरना है कि वो इस कंट्री का वजीर आजम था। तो ये ग्रीड है, अब जिन्ना को ग्रीड था। अभी लोकसभा का संसद में सत्र शुरू हुआ, जो नव निर्वाचित सांसद थे उन्होंने जो संविधान की सौगंध लेकर जो एक तरीका होता है, सबने उत ली और सबने बहुत अलग अलग तरीके से ली। लेकिन ओवैसी साहब जो हमेशा कुछ नया करते हैं, इस बार उन्होंने जय भीम मीम और उससे ज्यादा जय फलस्तीन, ये वही ओवैसी है जो इससे पहले संसद में भारत माता की जय कहने पर उन्होंने कहा कि मेरा दीन, मेरा धर्म इजाजत नहीं देता जयकारा लगाने का। तो फिर जयकारा लगाने की इजाजत अगर इस्लाम में नहीं है किसी भी देश के, तो जय फलस्तीन कैसे हो जाता है? इसी पे हम बात करेंगे कि ये लोग जो मुसलमानों के रहबर लीडर बनते हैं, आज कहीं ना कहीं इनका जो हिजाब था, इनका जो नकाब था, वो उतर गया है। ये बेपर्दा हो गए हैं कि किस तरह से ये मुसलमानों को अपने इंटरेस्ट के चलते इधर उधर वर्गलाकर इस्तेमाल करते हैं। क्या कहती है नाजिया आप इस पे, कानूनी कार्रवाई बनती है 102 के तहत आर्टिकल? जी ऐसा है कि मैंने, विष्णु जैन जी ने भी एक लीगल स्टेप लिया है और मैंने भी लिया है, आर्टिकल 102 के तहत डेफिनेटली उनकी जो सांसद का जो एक्सपेल्ड होना चाहिए वो उनका खत्म होना चाहिए, और कोई एक महीने या दो महीने या 40 days का नहीं होना चाहिए बल्कि 5 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ डेमोक्रेसी के मंदिर में जिस हिसाब से उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार किए हैं और नारे लगाए हैं, 295A सेक्शन हेट्रेट स्पीच पर भी ये आता है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को अपने अपने तरीके से अपने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके ये FIR दर्ज करवाना चाहिए 295A के तहत। और अगर कोई पुलिस स्टेशन इस FIR को नहीं लेता है तो अपने नियरेस्ट पुलिस कोर्ट या जज कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके 156 clause 3 के तहत कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर के थाना में जमा करना चाहिए और थाना को बोलना चाहिए कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूँ और इसको मतलब FIR का रूप दिया जाए। हालांकि लोकसभा ने इस पूरे स्टेटमेंट ओवैसी के इस पूरे शपथ को एक्सपंज कर दिया है, पर लोगों तक, पूरे भारत तक ये बात जा चुकी है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि भारत माता की जय का नारा कोई भी मुसलमान नेता नहीं लगाता है, वंदे मातरम का नारा कोई भी मुसलमान नेता, और ओवैसी तो बार बार कहते हैं कि वो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके इस्लाम में इस बात का मतलब उनको परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर वाकई में इस्लाम मानते हैं
और वाकई में अपने पांच अरकान में एक अरकान हज पूरा करने को और हाजी अपने आप को बोलने में बहुत इम्पोर्टेंस और वैल्यूबल फील करते हैं। तो मुझे याद है कि सऊदी अरबिया में मक्का के अंदर कुछ मुसलमान फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट ने उनको जेल हिरासत किया था और आज तक उन लोगों को कोड़े बरस रहे हैं और 24 घंटे में एक टाइम का खाना मिलता है। आज तक वो लोग रिहा नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने मक्का मुअज्जमा में उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो क्या असदुद्दीन अवैसी मक्का मुअज्जमा को नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी जहां से इस्लाम आया है उसको नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी अल कुरान को नहीं मानते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी अपने रजाकार के फौज के सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन पर 2023 में जो कहा था कि अगर 20 मुसलमान एमपीज होते तो अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं होती, तो अभी इंडिया अलायंस के माध्यम से 19 इंक्लूडिंग अवैसी 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान पहुंच चुके हैं। क्या वो कुछ राज्यों को मिला करके फिर से भारत के टुकड़े करने वाले हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर से रजाकार के अधूरे काम को पूरा करने की स्ट्रेटेजी अपने शपथ के जरिया इंटीमेशन दे चुके हैं? एक तरफ असदुद्दीन अवैसी कल 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में पार्लियामेंट के अंदर, मैं आप तो दिल्ली में रहती है, मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त दिल्ली में ही थी, और उस वक्त जब ये न्यूज हमारे पास आई तो अमर मैं और आप दोनों एक डाइनिंग टेबल पे बैठ करके हंस रहे थे कि एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को पहले इस भारत में संवैधानिक देश में रिकॉग्नाइज्ड करना ये गलत था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाप दादा रजाकार फौज चलाए थे और पाकिस्तान को समर्थन दे करके भारत का विरोध किए थे, उसको भारत के पार्लियामेंट तक पहुंचाना ये गलत था। उसके बाद फिर वो व्यक्ति 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह पर वो जय भीम के नारे लगाता है, फिर इस सेक्युलर देश का मजाक उड़ाते हुए जय भीम के नारे लगाता है और उसके बाद फिलिस्तीन के जय जयकार करता है, तो क्या उस वक्त ही उसको अरेस्ट करना उचित नहीं था? उसी वक्त उसको अरेस्ट करना उचित नहीं था? अमर हम लाख कह दें गौ हत्या गलत है, गौ हत्या नहीं करना चाहिए, पर जब तक हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका और हमारे भारत के संसद के अंदर से कोई एक अमेंडमेंट सही से इम्प्लीमेंटेशन, कोई कानून नहीं निकलेगा, तब तक इनके कलेजे में डर नहीं आएगा। 2017 में ट्रिपल तलाक पर एक ऐतिहासिक जजमेंट आया, 2019 में एक बहुत खूबसूरत उस पर इम्प्लीमेंट करके एक कानून बनाया गया, पर आज भी हम तलाक के केसेस देख रहे हैं और ट्रिपल तलाक भारत में हो रहा है, धीरे 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 अवेयरनेस हो रहा है, जब वो व्यक्ति जेल जा रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे करके तब। तो उसी तरीके से पिछले 75 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं कि गौ हत्या सही नहीं है, गौ हत्या हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से भी गलत है और गांधी जी ने भी गौ हत्या को अनिवार्य कहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, तो उस पर एक कानून बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बन रही है। तो उसी तरीके से कभी फरहाद हकीम कह देता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, कभी असदुद्दीन अवैसी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी के पॉलिटिकल मीटिंग में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी औरंगजेब के तुम में जाकर के सूरह फातिहा पढ़ता है, कभी असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान बेटियों का सलवार झांक करके प्यूबर्टी की बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी देश के विरोध करने वाले अफजल गुरु और टेररिस्ट के समर्थन में बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी ये पुकारता है कि अगर 20 मुस्लिम एमपीज होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती, कभी असदुद्दीन अवैसी याकूब मेमन के समर्थन में बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मुसलमान का एक टीम, एक ग्रोह जिता करके पार्लियामेंट पहुंचा रहा है, तो क्या उसके चरित्र पर और उसके उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख करके इस राष्ट्र की राष्ट्रपति और इस देश का सर्वोच्च न्यायपालिका क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं ले? तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दूं, मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा। जैसे कि नाजिया लाई खान जी ने कहा,
गौ रक्षा के ऊपर कानून बनना चाहिए, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहूंगा आप इस बारे में अपनी सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हमें दिखाएं इस वीडियो को शेयर करके और खासकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में लेकर हम कोशिश करेंगे भारत सरकार तक पहुंचाएं। और बाकी आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की मजहब के ठेकेदार और रजाकार फौज के आखिरी सिपाही ओवैसी के बारे में, जो अब पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत देश को तोड़ा जाए, उसमें से एक नया इस्लामी देश बनाया जाए जिसका वो प्रधानमंत्री बने और वही उसकी आखिरी इच्छा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें।